ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए। नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीज परेशान, डॉक्टरों ने दिया ममता सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली हवाई अड्डे पर वीआईपी सुविधा, सुरक्षा गार्ड ने रोक कर ली सघन तलाशी। राज्य सरकार की नई पहल, अब नए राशन कार्ड बनेंगे महिला मुखिया के नाम पर, उज्ज्वला योजना जुड़ेगी राशन कार्डों से। और जेई एडवांस का रिजल्ट घोषित, जयपुर के विद्यार्थियों ने फिर मारी बाजी, टॉप 100 में दो विद्यार्थियों ने बनाई जगह। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के हड़ताल के समर्थन में आज देश भर के अस्पतालों के डॉक्टरों के हड़ताल जारी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, मुंबई, हर जगह डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल मामले पर आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दिल्ली में आज भी एम्स समेत 18 से ज्यादा बड़े अस्पतालों के लगभग 10,000 डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार को हड़ताली डॉक्टरों की मांगें पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर सरकार नाकाम रहती है तो हमें एम्स में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य सचिवालय में शनिवार शाम बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। हड़ताल के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी बंद है, जिससे काफी फर्क पड़ रहा है। हिंदुत्व व राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गर्माने वाला है। यहां मणि रामदास की छावनी में शनिवार को देश भर के संत धर्माचार्य राम मंदिर निर्माण की हुंकार भरेंगे। इसके लिए जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और दिल्ली भाजपा प्रभारी कुंवर जय भानु सिंह पवैया जैसे दिग्गज अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या का संत सम्मेलन वैसे तो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है, लेकिन शीर्ष संतों का जमावड़ा राम मंदिर निर्माण पर सरगर्मी बढ़ा रहा है। जिस तरह गत 3 जून को मणि रामदास की छावनी में हुई बैठक में विहिप व संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में रामनगरी के संत धर्माचार्यों ने राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अविलंब राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की हुंकार भरी थी। इससे यह स्पष्ट संकेत है कि शनिवार को संत सम्मेलन में भी राम मंदिर निर्माण मुख्य मुद्दा होगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू को शुक्रवार देर रात गन्नवरम हवाई अड्डे पर तलाशी से गुजरना पड़ा। नायडू को विमान तक जाने के लिए वीआईपी सुविधा से भी वंचित कर दिया गया और आम यात्रियों के साथ बस में यात्रा करनी पड़ी। एक सुरक्षा गार्ड को सुरक्षा प्रवेश द्वार पर नायडू के तलाशी लेते देखा गया। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख को विमान तक वीआईपी वाहन से पहुंचने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस घटना पर तेदेपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरोप लगाया गया कि भाजपा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति कर रही हैं। तेदेपा नेता व राज्य के पूर्व गृह मंत्री चिन्ना राजप्पा ने कहा कि अधिकारियों का रवैया न केवल अपमानजनक था, बल्कि उन्होंने नायडू की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया, क्योंकि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। गुजरात के तटीय जिलों पर वायु चक्रवात से होने वाली तबाही का खतरा फिर से मंडराने लगा है। गुरुवार को पश्चिम की तरफ वायु चक्रवात मुड़ गया था, लेकिन अब रविवार को वह फिर से पलटी मार सकता है। केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इसके चलते वायु की गुजरात के कच्छ इलाके से टकराने की संभावना बन गई है। मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने कहा कि वायु 16 जून को वापस आ सकता है और 17 और 18 जून के बीच गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। हालांकि तूफान की तीव्रता कम होने की संभावना है और इससे हानि कम होगी। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खतरा टल जाने की घोषणा करते हुए तटीय इलाकों से शिफ्ट किए गए 2,75,000 लोगों से घर लौटने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में एक बैठक के दौरान शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित लोगों की घर वापसी की व्यवस्था करने के आदेश दिए थे।
अब नए राशन कार्डों में महिला मुखिया के नाम से नया राशन कार्ड बनेगा। राशन कार्ड को बायोमेट्रिक फ्रेंडली बनाने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने एवं भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी जैसी सुविधाओं का समावेश किए जाने की आवश्यकता पर नए राशन कार्ड जारी करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। नए राशन कार्डों में ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जिनमें विभिन्न सूचनाओं का अपडेशन संभव हो सके। ये बात सचिवालय में विभागीय बैठक में निकल कर आई है। इस बैठक में इसकी पुष्टि सचिव मुग्धा सिन्हा ने की है। उन्होंने वर्ष 2012-13 से पूर्व जारी मैनुअल राशन कार्ड व 2012-13 के बाद जारी किए गए डिजिटाइल राशन कार्डों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि जिसमें राशन कार्डधारी परिवार के मुख्य सभी सूचनाओं का समावेश किया जा सके। ट्रांसपोर्ट नगर बर्मिश कॉलोनी में 2 दिन पहले महिला की गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अशोक ग्रहानी जवाहर नगर सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आरोपी अशोक के साथ पिछले 2 साल से रानी अरोड़ा संपर्क में थी और कई दफा उसके बर्मिश कॉलोनी स्थित किराए के कमरे पर आती थी। अशोक ने पूछताछ में बताया कि उसकी सारी कमाई रानी उससे ब्लैकमेल करके लेती थी, उससे वह परेशान हो गया था। डीसीपी राहुल जैन ने बताया कि 2 दिन पहले बर्मिश कॉलोनी में रहने वाली विजय के कमरे में एक महिला का शव मिला था। उसकी शिनाख्त बर्फ खाना सिंधी कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय रानी अरोड़ा के रूप में हुई थी। श्री विजेश शर्मा ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उसके निवास में, जो कि 32 सिंधी कॉलोनी है, थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में, कि वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए थाना ट्रांसपोर्ट नगर और सर्कल आदर्श नगर ने टीम गठित की। उसके मर्डर के अलामत वहाँ पे गए तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या कारण रहे होंगे और मर्डर किसने किया गया होगा। तो इस पे नतीजा दिया गया है, इसका मर्डर किया गया था। अशोक सिंधी नाम का एक मुलजिम है जिसको कि ज़िला करौली से दस्तयाब किया गया है। सामने इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि ये जो अशोक सिंधी और महिला थे, ये पहले आपस में जान पहचान के थे, इनके आपस में संबंध थे। तो विजेश शर्मा कहीं किसी निजी कार्यवश बाहर गए हुए थे और उनके कमरे को यूज़ किया गया, इन दोनों ने मिलने का एक स्थान बनाया और वहाँ पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके कारण से इस महिला का गला दबाकर हत्या कर दी गई। IIT रुड़की ने JEE एडवांस का परिणाम घोषित कर दिया है। शहर के टॉप 100 में से 2 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है, जिसमें सिटी टॉपर गौरव कृष्ण गुप्ता ने ऑल इंडिया 53वीं रैंक हासिल की है। मेंस में उनकी 64वीं रैंक थी, वहीं ऑल इंडिया रैंक 76 के साथ आर्यन जैन दूसरे स्थान पर रहे। ऑल इंडिया रैंक 165 के साथ माधव मित्तल तीसरे और 150वीं रैंक के साथ अक्षर शर्मा चौथे स्थान पर रहे। वहीं तनयुत शर्मा की ऑल इंडिया रैंक 196 रही। गर्ल्स में अवंतिका अग्रवाल सिटी टॉपर रहीं। पीयूष राज ने ST कैटेगरी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की। हालांकि जयपुर रीजन से इस बार टॉप रैंक कम आई है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के IIT में जाने की संभावनाएं बढ़ी हैं। सिटी टॉपर गौरव कृष्ण गुप्ता ने बताया कि उनका स्टार्टअप में काफ़ी रुझान है, शायद इसलिए भी वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। गौरव ने कहा कि उनकी इच्छा IIT मुंबई में पढ़ने की है। I feel very nice to secure such a good rank in such prestigious exam, JEE Advance. And apart from here at Allen Classroom, I used to devote 5 to 6 hours regularly to self-studies so that I can clear all my concepts. I used to clear all my doubts on the day itself after class at Allen because teachers here are available at all hours, so we can directly contact them. Sir, I started my preparations for IIT from class 10th, and on the way to IIT, I cleared RMO, INMO, NACC, INCHO, and KBPY. Yes, it is advisable to start early so that we can get a good grip on the subjects. How many hours did you study? It was not fixed for me, like I want to study for so many hours. I used to study for 5 to 6 hours if I felt like that, and I did not study if I did not feel like studying. I have not decided upon my branch or college name. I take time to think about that. Kitna shreya apne guru jana ko dena? Well, most of it goes to my teachers, and
and I also give the credit to my parents and my brother. I was not active on social media for these 2 years. One should use social media only up to that extent till it is useful for you. When it starts distracting you from your goal, it should be stopped. One should keep working hard and stay focused towards the goal. Small failures might come in the way, but they do not mean that you will not perform good in the final exam. शिक्षा विभाग में नई शुरुआत करते हुए अब तबादलों के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। एकीकृत शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ कॉर्नर में दिए गए ट्रांसफर शेड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करके शिक्षक अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके जरिए आवेदन कब से होंगे इन तिथियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। जैसे ही आवेदन की तिथियों का ऐलान होगा इस ट्रांसफर शेड्यूल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। NIC के सहयोग से तैयार तबादले की इस ऑनलाइन प्रक्रिया से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें दो प्रकार से तबादला आवेदन किया जा सकेगा, एक तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं और एक जो अपनी पसंद से ट्रांसफर चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाला शिक्षक जब आवेदन भरेगा तो उसको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। शिक्षक को यह टोकन नंबर उस शिक्षक को देना होगा जिसके स्थान पर वह तबादला चाहता है। वह शिक्षक अपने ऑनलाइन आवेदन में इसको फीड करेगा। हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म बल्लेबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बल्लेबाजी.com के साथ इस साझेदारी पर युवराज ने कहा कि मुझे खुशी है कि बेहतरीन क्रिकेट फैंटेसी लीग बल्लेबाजी.com के साथ जुड़ने का मौका मिला है। इसके माध्यम से मैं अपने फैंस के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ूंगा क्योंकि इसमें हम अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से टीम बनाते हैं। यह जोश और जुनून से भरे क्रिकेट प्रशंसकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंच है जो उन्हें खेल में अपने कौशल एवं ज्ञान को जांचने का अवसर देता है। विश्व कप 2019 में आज मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मैच लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, उसके 4 मैचों में 6 अंक है। वहीं अगर श्रीलंका की बात की जाए तो उसके पिछले 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी मजबूत है। इसकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग श्रीलंका से कई गुना बेहतर है। बल्लेबाजी में डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाया था और कप्तान एरोन फिंच ने भी 82 रनों की पारी खेली थी। श्रीलंका की बात करें तो अभी तक किसी के बल्ले से रन निकले हैं तो वे हैं कप्तान दिमुत करुणारत्ने। कप्तान ने 1 अर्धशतक जमाया है लेकिन उनके अलावा कोई और बल्लेबाज आगे आकर रन नहीं कर सका। वहीं गेंदबाजी में श्रीलंका का दारोमदार लसित मलिंगा के कंधों पर रहेगा। नुवान प्रदीप ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी इसलिए उनसे भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।